छात्रों, आज आधुनिक कविता में यानी आपको असमंजस होगा। पद्य भाग यानी द्वितीय भाग में दो भाग है, द्वितीय सोपान या द्वितीय भाग में दो भाग है। पहला है मध्ययुगीन काव्य। मध्ययुगीन काव्य में कल यानी पिछले कक्षा में कबीर दास जी के बारे में आपको समग्र जानकारी दे चुका हूं। उसी का अगला भाग यानी उसी का यानी द्वितीय भाग में अगला भाग का जो नाम है आधुनिका काव्य यानी आधुनिक कविता। आधुनिक कविता में श्री मैथिली शरण गुप्त जी लिखा हुआ कुटिया में राजभवन नामक कविता या काव्य के बारे में आज जानकारी प्राप्त करने का जो प्रयास करेंगे, या आपको अधिक से अधिक जानकारी दे देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए। कुटिया में राजभवन, मैथिली शरण गुप्त जी। कवि परिचय। जन्म 1883 ईस्वी में, मृत्यु 1964 ईस्वी में। आधुनिक काव्य यानी कविताकार का मृत्यु हुई। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रख्यात रचनाकार गुप्त जी का जन्म 1886 छियासी। बच्चों इधर थोड़ा सा अदल बदल हो गया है, 86 ईस्वी में चिरगांव झांसी ये उत्तर प्रदेश में है हुआ। आप मूलतः राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि माने जाते हैं। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से जनजागरण का प्रयास किया। अतीत की गरिमा तथा वैभव को प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हुए आपने भारतवासियों को वर्तमान दुरावस्था से उबरने के लिए प्रोत्साहित किया। आपकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। साकेत और जय भारत आपके दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, पंचवटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत भारती आदि अन्य रचनाएं हैं। ये है श्री मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। देखिए, कुटिया में राजभवन नामक कविता का संक्षिप्त सारांश। प्रस्तुत पद्य भाग साकेत महाकाव्य से लिया गया है, जो आधुनिक रामकाव्य परंपरा की अनुपम कड़ी मानी जाती है। खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने तथा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने में गुप्त जी की उल्लेखनीय भूमिका रही है। सीता जी वन में राज सुख भोगती है। श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके साथ साथ रहते हैं।
और देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहां धन और राज वैभव का कोई मूल्य नहीं। छात्रों जरा समझने का प्रयास कीजिए, ये डाई पंक्ति या वाक्य है ना, उसको और एक बार दोहराने वाला हूं, समझिए। सीता जी वन में राज सुख भोगती है, वन कानन या फॉरेस्ट काड़ू, राज सुख भोगती है, वो कैसे देखेंगे। श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके साथ साथ रहते हैं, सीता जी या जानकी के पति स्वयं उनके साथ साथ रहते हैं, और देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, मंत्री के रूप में, ठीक है। यहां वन याने कानन या कन्नड़ा में काड़ू या फॉरेस्ट जो कहते हैं ना, यहां धन और राज वैभव का कोई मूल्य नहीं है। उदाहरण के अंतर्गत हम हमारे घर के आसपास घर में किसी भी चीज खरीदने के लिए धन की जरूरत हमें बहुत ज्यादा है, मगर वन में श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता जी के साथ साथ रहते हैं, वहां पर धन को कोई मूल्य नहीं है। धन के बिना ये हृदय रूपी मानवीयता का रूपी यानी मानवीयता रूपी धन कानन में वन में बहुत आवश्यक है या नितांत आवश्यक है। उसके साथ साथ राजवैभव, देखिए राजवैभव का कोई मूल्य नहीं है। उदाहरण के अंतर्गत हम अगर अमीर आदमी हो तो आजकल क्या करते हैं, उनका कारू उनका बंगलो ये सभी देख के गरीब से गरीब रहने वाले लोग डरना पड़ता है कभी कभी, मगर इस तरह का जो पर्यावरण या परिस्थिति काड़ू या वन या जंगल में नहीं है। वहां पर सभी जितने आदमियां अगर हैं तो सभी एक है। श्री रामचंद्र साक्षात भगवान हम मानते हैं, मगर वन में सभी श्री राम के साथ साथ जीवन बिताने का जो मौका जिसको मिली है वही धन्या। ये है कुटिया में राजभवन नामक कविता का संक्षिप्त सारांश। कुटिया आप सबको पता है, हट झोंपड़ी, उसमें राजभवन यानी पैलेस बंगलो मानती है कौन, कविता को देखेंगे या काव्य को देखने से हमें पता चलेगा। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर हैं, देते आकर आशीष हमें मुनिवर हैं,
धन तुच्च यहाँ यद्यपि असंख्य आकर हैं, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर हैं, सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, श्रम वारी बिंदु फल स्वास्थ्य शक शुक्ति फलती हूँ, अपने अचल से व्यंजन आप जलती हूँ, तनु लता सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, किस लय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन किला करते हैं, डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार झीला करते हैं, निधि कोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, कहता है कौन कि भाग्य टगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा, कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गार्यस्थ जगा है मेरा, वह वधु जानकी बनी आज यह चाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। देखो उधर, किताब नहीं देख रहे हैं वो देखना, फल फूलों से हैं लदी डालियां मेरी, वे हरी पत्तले भरी थालियां मेरी, मुनि बाला ये है यहाँ आलिया मेरी, तटिनी की लहरें और तालियां मेरी, क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज चाया, मेरी कुटिया में मन भाया। इस तरह कौन कह रहे हैं छात्रों, कौन कह रहे हैं, किसी को मालूम, समझ में आया? सीता या जानकी? देखिए सविस्तार, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया अंद्रे नन्न गुडिसले ननगे अरमने, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर हैं, सम्राट श्री राम। छात्रों समझना, ठीक तरह समझिए, चाहे तो उधर पेंसिल से लिखिए, कोई बात नहीं है। सम्राट सीता या जानकी के पति कौन है? श्री राम। सचिव देवर हैं, सचिव के रूप में रहने वाले देवर यानी लक्ष्मण जी भी साथ हैं। किसके साथ? सीता जी या जानकी के साथ। कहाँ? वन में। कहाँ? वन में, ठीक है। देते आकर आशीष हमें मुनिवर, देखो वन में रहने वाले मुनिवर ऋषि मुनिया खुद आकर
हमें सीता सम्राट प्राणेश सम्राट के रूप में रहने वाले सीता जी के प्राणेश देवर लक्ष्मण ये तीनों को स्वयं यानी खुद अपने आप मुनिवर वन में आकर देते आशीष आशीर्वाद दुआ घबराइए मत, यहां पर कुछ नहीं होगा, आपको होने नहीं देंगे, आप आराम से रह सकते हैं। धन तुच्छ, यहां पैसे के लिए यहां पर कोई मूल्य नहीं है, पैसे की जरूरत ही नहीं है। तुच्छ तिनका नेग्लेक्ट भी यानी घृणा, यद्यपि असंख्य आकर हैं, यद्यपि देयरफॉर आदरिंद असंख्य अनगिनत अनकाउंटेबल जो कहते हैं ना, उसी तरह असंख्य आकार है यहां पर। आपको जो चाहिए वो मिलने वाले जगह है ये यानी वन। जो चाहिए, किस फल चाहिए, फूल चाहिए, पानी चाहिए, आजकल के जैसे प्योर पानी कहे तो बिसलरी वाटर को हम 20 रुपए 15 रुपए या 25 रुपए देकर यानी खरीद कर हम पीते हैं ना, उस तरह पीने की जरूरत नहीं है वहां पर। फूल चाहे तो वहां पर काल किलो के लिए 30 रुपए देकर खरीदने की जरूरत नहीं है। कहां वाना? हाँ करेक्ट, वेरी गुड। हाँ पानी पीते मृग, मृग यानी हिरन, हिरन यानी डीर जिंके, सिंह एक तट पर है, तट किनारा। देखो उदाहरण के अंतर्गत समझिए, ये तालाब समझिए, यहां पर गाय उदाहरण के अंतर्गत यानी मृग, मृग यानी हिरण, यहां पर सिंह, एक ही तट पर पानी पी रहे हैं, यहां मृग वहां सिंह, ऐसा नहीं है। एक ही तट पर मृग और सिंह पानी पीते हैं। देखो इसका मतलब है सिंह हिंसक प्राणी, मृग अहिंसा प्राणी। ये हिंसा और अहिंसा की बात वन में नहीं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए तीनों। ऐसा कौन कह रहे हैं? मुनिवर, वेरी गुड। ऐसा कान खोल के सुनिए बस, अपने आप ऐसा उत्तर मिलेगा, ठीक है, वेरी गुड। पानी पीते मृग सिंह एक तट पर, मैं जो लिख के दिखाया ना उसी तरह एक ही तट पर सिंह और मृग पानी कैसे ऐसा पीते हैं ना, उसी तरह दोनों पी रहे हैं। मगर हकीकत से सिंह मृग को देखते ही छलांग मार के उसको खाना पड़ता है, मगर यहां पर वैसा नहीं है। यानी अहिंसा शब्द का अर्थ यहां पर हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इसलिए अहिंसा के द्वारा ऋषिवर सीता जी के सम्राट स्वयं प्राणेश देवर
यानी मंत्री के रूप में लक्ष्मण जी, सीता माता, ये पांच या चार आदमी के साथ साथ 400 क्यों ना हो, अहिंसा के साथ साथ वो जीते, एक ना एक तरह आदर्श वातावरण या पर्यावरण का निर्माण करके हम जैसे लोगों को दिखा रहे हैं। हम पहला बेंच वालों को चौथा बेंच वाले, चौथा बेंच वालों को छठा बेंच वालों को देखते ही मन में एक ना एक तरह कभी 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 जलन, इनको देखने से उनको नहीं होगा, उनको देखने से इनको नहीं होगा, है ना, एक ना एक तरह जलन। मगर उस तरह का स्थिति वहां पर नहीं है, वहां पर यानी वन में नहीं। शायद समझ में आया होगा। सीता रानी को यहां लाभ ही लाया। सीता रानी वन में आकर कुटिया में रह रही है ना, वो कुटिया में रहने से सीता जी को लाभ ही लाया। लाभ यानी श्री राम साथ साथ हमेशा 24/7 कहते हैं ना, उस तरह साथ रहते हैं श्री राम के, श्री राम सीता जी के साथ। इसीलिए इससे बढ़िया और क्या चाहिए, शादी होने के बाद पति के साथ पत्नी, पत्नी के साथ पति रहना ही अच्छी बात है, अच्छा है, नहीं तो क्या फायदा। नहीं तो हम अलग अलग तरह सोचना पड़ता है, अलग अलग तरह कल्पना करना पड़ता है। यानी सीता माता अगर अयोध्या में रहने वाले राजभवन में अगर रहे तो श्री राम इस तरह साथ साथ हमेशा रहते थे क्या, नहीं है। इसीलिए कुटिया है ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर मैं राज सुख भोगते भोगते उसी को ही मैं मानता हूं राजमहल या राजभवन, यही है मेरा बंगलो, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, औरों के हाथों यहां नहीं पलती हूं। औरों दूसरों यानी काम करने वाले नौकर हो या नौकरानी के मदद यहां पर मैं नहीं ले रही हूं। खुद चाहे किसी भी तरह का काम क्यों ना हो, मैं खुद करना पड़ता है या करूंगी या करते हैं, आगे बढ़ते हैं या करती हूं। औरों के हाथों यहां नहीं पलती हूं, दूसरों के मदद यहां मदद से मैं नहीं जी रही हूं। अपने पैरों पर कड़ी आप चलती हूं। देखो ये पूछ रहे हैं सर, दूसरों के पैरों के जरिए हम चल सकते हैं क्या? नहीं है, सच बात है, मगर खुद अपना काम अपना अत्व के द्वारा जो चलने वाली जाने वाली रीति रिवाज है ना, उसी को कहते हैं हा? अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूं। देखो पानी चाहिए, अगर सखी को बुलाना था पहले यानी अयोध्या में जब राजभवन में रहती थी ना, तब पानी पूछ कहते ही एक सखी आकर इस तरह, महारानी जी पानी इधर रख के वो जाने जाती थी। मगर अब
पानी चाहिए, जाके मट्टी जो रहेगा ना वहां पर खुद जाकर वो ग्लास में पानी पीना पड़ता है। इधर लाकर देने वाले या लेकर फिर वापस जाने वाले कोई नहीं है। हाँ, इसीलिए अपने पैरों पर कड़ी आप चलती हूं, श्रमवारी श्रमवारी श्रम प्रयास हार्ड वर्क बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूं। देखो पूरा का पूरा घर का काम मैं खुद करके आगे बढ़ती हूं, यानी झाड़ू करने का जो काम हो, पानी लाने का जो काम हो, यानी तरकारी सा यानी साग सब्जी को लाना है तो, या कुछ भी हो, फल को तोड़ना, फूल को तोड़ना, ये सभी खुद अपने आप जाना पड़ता है। पौधों के पास जाकर फूल को तोड़ना पड़ता है, अगर इधर पेड़ है तो खाने वाले पेड़ किसी ना किसी तरह का, जो आम का पेड़ हो या दूसरा का जो पेड़ है, तो उसको खुद जाकर तोड़ना पड़ता है। श्रमावारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूं। देखो एक ना एक तरह तसल्ली, एक ना एक तरह सुखा, एक ना एक तरह संतोष के साथ साथ खुद शरीर के पाप पूरे पूरे अवयव को थोड़ा सा काम मिल दे रहा हूं या दे रही हूं। मगर राजभवन में रहे तो सिर्फ मदद लेना पड़ता था, क्यों, रानी महारानी बनकर खुद काम करना पड़ता है क्या, कोई काम करेगा ऐसा मान, अगर ये सीता जी नहीं माने तो भी देखने वाले लोग ऐसा कहते थे। अपने अचल में व्यंजन आप जलती हूं, खाना पकाती हूं, अपने अचल से हाथ से अचल से व्यंजन आप जलती हूं, खुद जो भी हो खाना तैयार करना है, गोभी मंचूरी हो या अलग अलग तरह का पसंद वाले चीज को खुद पका के खिलाती हूं, साथ साथ मैं खाती हूं। तनु लता तनु शरीर बाड़ी लता लता क्रीपर बल्ली सफलता स्वाद आज ही आया, इस तरह का जो काम करने का मौका मुझे आज मिल रहे हैं उसका स्वाद टेस्ट आज मुझे पता चला या टेस्ट मिला, इसीलिए मेरी सीता जी की कुटिया राजभवन मनबाया। मुझे लग रहा है राजभवन किस लय कर स्वागत हेतु झिला करते हैं, किस लय यानी कोमल नन्हे मुन्हे हाथ जो कहते ना उसी तरह छोटे छोटे पेड़ हो पौधा हो हवा के वजह से हिलते हैं ना, इस तरह सीता जी मानती हैं। वो देखो मुझे स्वागत कर रहे हैं, आओ सीता माता जी आओ मेरे पास, वैसा सीता माता जी को लग रहा है
या सीता माता उस तरह कल्पना कर रही है? हाँ, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं, मृदु सॉफ्ट। देखो, अगर आपका छोटे बच्चों की जो त्वचा को इस तरह जो चूने से हमें क्या होगा, गुस्सा आएगा क्या? ऐसा हम कहते हैं क्या? नहीं है। दोबारा उसके पास जाकर हम क्या करते हैं? प्यार करते हैं, पप्पी देते हैं, है ना, उसके साथ, चाहे एक मिनट हो या एक पल क्यों ना हो, उसके साथ मिलकर हम खेलना चाहते हैं या बातचीत करना जो चाहते हैं ना, उस तरह का निस्वार्थ मनोभाव समा सुमन, सुमन फूल खिला करते हैं, खिलते हैं। डाली डाली में नवा फल नित्य मिला करते हैं, डाली ब्रांचेस, ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ನವ ಫಲ ನಿತ್ಯ ಮಿಲಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ನವ ನಯಾ ನಯಾ, ಹರೇಕ ಯಾ ಹರ್ ದಿನ ಹರೇಕ ಕೋ ವೋ ದೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತಯಾರ್ ರಹತೆ ಹೇ, ಚಾಹೆ ಕೋಯಿ ಬಿ ಕ್ಯೋ ನಾ ಹೋ, ತುಮೆ ಚಾಹಿಯೆ ತುಮ ಲೇಕೆ ಜಾ ಸಕ್ತೆ ಹೇ। तृण तृण पर मुक्ता भार जिला करते हैं, तृण तृण तिनका तिनका सा, ओम पर भी ये छोटा है ना, घृणा करो, ऐसा बात नहीं है, छोटे मोटे काम भी मुक्त मनस से, ये मेरा काम। उदाहरण के अंतर्गत समाज में हर एक घर में, या महिला लड़की के बिना रहने वाला घर अगर देखने को बहुत कम मिलते हैं ना, उसी तरह प्रकृति का जो गुण, वो लड़की यानी औरत यानी स्त्री या महिला वो में हम देख सकते हैं, यानी भगवान की जो कृपा से उनको भाई बर्त जो कहते हैं ना, जन्म से ही आया हुआ जो गुण है। इसीलिए तृण तृण पर मुक्ता भार जिला करती हूं, यानी मुझे ये वजन है वो वजन है, या ये वो, ये मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। अगर घर में है दो लड़कियां हैं तो सुबह का काम तुम्हारा, शाम का काम मेरा, अगर कपड़ा धोने से बर्तन मांजने का काम दूसरा, कपड़ा का जो दूसरा, वैसा हम क्या करते हैं, काम को बांट कर कैसे सहकारिता के मनोभाव से हम कैसे करते हैं ना, उसी तरह यहां पर बांटने का मौका ही नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए निधि निधि प्रकृति या वन की निधि कोले दिखला रही प्रकृति निज माया। अगर कोई भी यहां पर हम सभी है ना, अगर किसी भी जो वन को देखने से या फॉरेस्ट या हरियाली को देखने से कोई ना कोई जाओ, वैसा कहने वाले यानो मनोभाव रखने वाले आदमी को हम अब तक देखे हैं क्या? हरियाली को देखने से नहीं है। अगर हरियाली को देखते ही हमारा मन ऊब कर पौधे हो पेड़ हो उसके पास जाकर हम हमारा मन में क्या भावना ये जो रहते हैं ना, वो भावना वो उनके साथ कभी कभी चिल्लाते हैं, कभी कभी
गाना गाने को शुरू करते हैं, ना जाने खुद को पता नहीं रहता कि क्या हम कर बैठते हैं। उसी तरह का जो निज निधि प्रकृति माता दिखा रही है, रेनबो कलर्स, रेनबो कामना बिल्लू जो कहते हैं ना, उसके साथ साथ निज निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, प्रकृति माता के जो नियमित निज रूप दिखा रही है। ये अब तक मैं खुद मेरे आंखों से खुद यहां पर आकर देखने की जो मौका नहीं मिले थे, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा बड़प्पन मैं समझती हूं। मगर दूसरे लोग क्या समझते हैं आगे आने वाले स्टैंजा में देखेंगे। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, ये सारे के सारे गुण या सारे के सारे विचार से अगर हम कुटिया में रह सकते हैं, मगर ये सारे के सारे प्रकृति वैभव कहां मिलते थे राजभवन में, आपको मिल सकते हैं क्या? नहीं है। अगर मछली को घर में रखना है तो एक्वेरियम में एक्वेरियम को तैयार करा के हम रखना पड़ता है, या आर्टिफिशियल को तैयार करके हमारा घर में रख कर हम क्या करते हैं, खुश संतोष कभी कभी होना पड़ता है ना। उस तरह का जो आर्टिफिशियल कृत का भाव ही नहीं है, कुछ भी हो साक्षात साथ साथ वो प्रकृति के साथ मिलकर हम जी रहे हैं। कहता है कौन कि भाग्य टगा है मेरे। देखो अयोध्या छोड़कर जब वन में आया ना, तब कुछ लोग गांव में कहते थे सीता जी का जो भाग्य यानी तकदीर या स्टार ठगा है, अच्छा नहीं है। देखो इतना कष्ट झेलने के लिए वो जा रही है, वैसा मान कहने कहते थे। वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। उस तरह बातचीत करने वाले के आवाज में जब मैं सुना ना, तब मुझे बहुत डर लगता था। मगर अब ये वन में आने के बाद या वन में आकर ये सबके साथ मैं जी रही हूं ना, अभी मुझे उस दिन का भय अभी दूर हो रहे हैं। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा। पहले कुछ चुपचाप उनका वैयक्तिक का काम करके चुपचाप बैठना था, पढ़ना था या देखना था या कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था बस। मगर अब कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, खुद करना पड़ता है ना, इसीलिए वन में ही तो गार्यस्थ जगा है मेरा। गार्यस्थ गृहा पति कौन है, पति का देखभाल कैसे करना, भाई का देखभाल कैसे करना, देवर का देखभाल कैसे करना, ये सभी यानी ये इस तरह का जो काम के बारे में जानकारी या पता हो या जानकारी हो, ये साथ साथ अभी गार्हस्थ गृहस्थ जीवन यापन करते आगे बढ़ रही हूं या कर रही हूं। वह वधु याने ब्राइड
शादी के लिए तैयार हुआ लड़की अभी कुछ पल में मांगल्य सूत्र को धारण करने वालों जो रहेगा ना उस तरह वधु जानकी, यानी सीता जी का दूसरा नाम है जानकी, बनी आज यह जाया। जानकी बनकर आई कहां, वन में। कहां जी रही है, वन में कुटिया के द्वारा। इसीलिए मेरी कुटिया राजभवन मन भाया। समझ में आ रहे हैं छात्र छात्राएं, हाँ? यहां पर कटिना शब्द यानी दूसरा मध्ययुगीन काव्य के जैसे अवधि ब्रजा कड़ी बोली भाषा के शब्द यहां पर नहीं है। आधुनिक काव्य सरलाति सरल शब्द यहां पर है। इसलिए शायद आप सबको समझ में आया होगा, हाँ? प्रयास कीजिए, नहीं तो प्रयास कीजिए, आएगा जरूर आएगा। फल फूलों से हैं लदी डालियां मेरी। देखो उनके मन में ही अनेक कई भावनाएं। कभी कभी क्लासरूम में आप बैठे रहते हैं, एक लड़का हो या लड़की हो या अन्य, मन में उठने वाली कल्पना या मनोभावना के साथ साथ कभी कभी वो जाने से, चाहे किसी भी विषय का जो अध्यापक या अध्यापिका पढ़ाए तो भी वो खोया खोया के जैसे खिड़की के द्वारा या दीवार को या अन्य चीजों को देखते रहते हैं। कभी कभी हम उन छात्रा हो या छात्र क्यों ना हो, उनके पास जाकर उसको जगाना पड़ता है। तब मैं कहां गई थी उनको बताना है ना। उस तरह खोया खोया हुआ मनोभाव, फल फूलों से हैं लदी डालियां मेरी, मेरी डालियों में फल फूल लदी भरपूर मिल रहे हैं, एक नहीं है, उसको देखने में ही एक ना एक तरह मजा। वे हरी पत्तले भरी तालियां मेरी, हरी पत्तले, पत्तले पत्ता, यले लीव्स, ही मेरे तालियां हैं। खाना खाने के लिए ताली को रख कर हम का ताली में परोसते हैं ना, उस तरह वन में हरी पत्तले, ग्रीन लीव्स ही मेरे प्लेट्स हैं, उसमें खाने खाना ही एक तरह मजा है। यहां पर कोई खाया है क्या? हाँ, एक या दो, बाकी तालियों में ही। मगर वो प्रकृति में मिलने वाले चीजों के साथ साथ अगर हम जीना या साथ साथ रहना, बहुत खुशी, एक अलग तरह की जो मजा। मुनि बालाये हैं यहां आलिया मेरी। देखो मुनि बालाये हैं ना, बालाये लड़कियां, यानी मुनियों की बालाएं, या स्त्री हो, स्त्री के बच्चे क्यों ना हो, वो सभी सीता जी की यानी जानकी की आलियां, आलियां यानी सखियां, फ्रेंड्स। तटिनी की लहरें और तालियां मेरी, ये सबको देखे हैं। ये तालाब में लहर लहर के साथ साथ लहर उठकर उठकर इस तरह आकर वो तटनी को जो आकर इस तरह जो मारते हैं ना, मारते हैं ना, यही सीता जी मानती है
ये सब मिलकर इतना हंसी खुशी के साथ वो बैठ के बातचीत कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसको प्रकृति देखकर शाबाश कह रहे हैं। इसीलिए ये मानती है, ये देख के मुझे देखो तालियां मार रहे हैं। वैसा कौन मानते हैं? जानकी या सीता जी? देखो इस तरह शहर में पैदा हुए कुछ बच्चों को कल्पना करना बहुत मुश्किल हो गया है, है ना? वो तटिनी यानी लहरें कैसे उठते हैं, तालाब क्या है, सरोवर क्या है, पांड या वापी कुआं क्या है, ये सभी जियोग्राफिकल चैनल में देखना पड़ता है। तटिनी की लहरें, लहरें याने वेव्स, तालियां मेरी, तालियां याने क्लॉप्स, क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया। देखो ये सभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो कहते हैं ना, ये सभी फल फूल हरी पत्तले मुनि बालाएं तटिनी की लहरें, ये सभी जानकी की क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया। देखो क्रीड़ा सामग्री मानकर ये खेलती है ना, खेलकर जीतने के बाद जैसे हम सब मिलकर ताली बजाते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर वो तालाब में से उठने वाले जो लहरें के जो आवाज ही मुझे तालियां। मेरी कुटिया में राजभवन मनोभाया, ये सारे के सारे गुण सारे के सारे अंशों के जरिए अंशों के वजह से देखने में कुटिया, मगर मुझे जानकी को राजभवन है। देखो किस तरह चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हम गरीब हैं या अमीर हैं वो अलग बात है, मगर हमारे साथ मिलने वाले चीजों के साथ साथ हम साथ देकर कैसे निभाते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, वही बहुमुख्य है, वही सच्चा है। हाँ, ये है कुटिया में राजभवन नामक कविता का संक्षिप्त सारांश। के साथ साथ आपको अधिक से अधिक जानकारी ये कविता एक बार पढ़कर हर एक जो शब्द वाक्य का जो अर्थ को आपको समझाकर ये कविता को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप खुश हैं ना? आपका चेहरे से ही मुझे पता चलता है कि आप खुश हैं या नहीं है। खुश है तो समझ में आया, नहीं तो थोड़ा सा असमंजस, असमंजस रहे तो भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि दोबारा पढ़ने के लिखने का मौका मिला मानकर या समझकर। ठीक है, घर में एक बार जाकर पढ़िए, समझिए, बाद में फिर देखेंगे। ठीक है, देखो प्रश्न उत्तर, एक शब्द या वाक्यांश में वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। सीता जी का मन कहाँ बाया? कुटिया। देखो किस तरह उत्तर दे रहे हैं आप। सीता जी के प्राणेश कौन है? सम्राट। सीता जी की कुटिया को क्या समझती है? राजभवन। नवीन फल नित्य कहाँ मिला करते हैं? डाली डाली में। सीता जी गृहस्थी कहाँ जगी? वन में। वधु बनकर कौन आई? जानकी। सीता जी की सखिया कौन है? फल फूल हली हरी पत्तले या मुनि बालाएं? हाँ, मुनि बालाएं, फल फूल हरी पत्तले। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दो सेकेंड में, सीता जी अपनी कुटिया में कैसे परिश्रम करती थी? कुटिया में
हाँ ये समझ कर लिखना। यानी छात्राए दूसरा प्रश्न देखिए, सीता जी प्रकृति सौंदर्य के बारे में क्या कहती है। हाँ निज माया निधि कोलकर प्रकृति निज माया दिखा रही है ना, उस स्टैंजा में जो रहने वाला उत्तर को लिखना पड़ता है। ठीक है, सीता जी कुटिया में कैसे सुखी हैं। सुखी चीजों से या भोग विलास यानी थिंग्स यानी वस्तु से हम सुख नहीं पाते हैं, मगर हमारे मनोभावना के जरिए हम सुख के साथ मिलने वाले चीजों के साथ साथ हम खुशी के साथ जीवन यापन करना। कुटिया में राजभवन कविता का आशय संक्षिप्त के संक्षेप में लिखी आशया सारांशा अब तक नो जो मैं बताया ना उसको अपने शब्दों में संक्षिप्त या पांच छह या सात पंक्तियों में अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, थर्ड मेन ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। दोबारा कह रहा हूं कि मैं पहले क्या लिखना है छात्र छात्रों, देखिए पहले प्रसंग, प्रसंग में क्या लिखना है, दिया हुआ पंक्ति कुटिया में राजभवन नामक कविता से लिया गया है, इसका रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, ऐसा ये प्रसंग में लिखना। ठीक है, दूसरा है संदर्भ, संदर्भ में दिया हुआ पंक्ति सम्राट स्वयं देवर को मुनि मुनिया याने यहां पर एक शब्द आया ना वो है मुनि, मुनि खुद आकर हमें मुनिवर मुनि या मुनिवर खुद आकर हमें कृपा आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीष हमें मुनिवर के हैं। उस संदर्भ में इस वाक्य को मैथिली शरण गुप्त जी इस पात्रों के द्वारा संभाषण किए हुए हैं। तीसरा है भाव स्पष्टीकरण, भाव स्पष्टीकरण, भाव यानी दिया हुआ पंक्ति का जो भाव यानी संक्षिप्त सारांश, दिया हुआ पंक्ति का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। बाद में विशेष, व्याकरण में रसा चंद अलंकार मैथिली शरण गुप्त जी के छाया वादी से संबंधित यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में अगर जानकारी है तो ये सभी आप लिख सकते हैं। इस तरह आप क्या करना है, आप खुद अपना नोट्स तैयार करके रखना है। जो मैं कह रहा हूं ना ये भी नोट कीजिए, इसके साथ साथ मार्केट में मिलने वाले दिग्दर्शन को भी खरीदिए, खरीद कर उसको देख के अपना नोट्स तैयार करना, क्योंकि बाकी विषय को रेडीमेड नोट्स कॉलेज में मिल रहे हैं, मगर इस विषय यानी हिंदी भाषा को तैयार किए हुए रेडीमेड नोट्स मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इस मार्केट में हर तरह का जो दिग्दर्शन मिल रहे हैं उसको खरीदिए, उसके साथ साथ ये भी अगर खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर चाहे तो खरीद सकते हैं, नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ जो लिख के दिखा रहा हूँ उसको आप नोट करने से या लिखने से वही काफ़ी है। ठीक है बच्चों, ठीक है छात्र छात्राएं, समझ में आया ना, हाँ ओके, अगला पीरियड देखेंगे। धन्यवाद।